फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हमें वही देता है और वही वापस ले लेता है। हम उसके देन पर शुक्रगुजार होते हैं तो उसके लेने पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह बहुत रहीम है, उस्मान के लिए जरूर कोई बंदोबस्त कर देगा। मेरे बच्चे ने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। हंसता मुस्कुराता बच्चा था मेरा, लेकिन इसकी किस्मत ने इसे फौरन ही जमीन के हवाले कर दिया। तुम ही मुझे अर्तुरुल को ला के दोगे हारिस? मेरे बहादुर, इस मुश्किल वक्त में साथ दिया तुमने। तुम हमेशा मेरे भाइयों की तरह मेरे साथ रहते हो। जरूरत के इस वक्त में उस्मान के लिए उम्मीद लाए तुम। पानी जो चट्टानों से गिरता है, बहरी जहाज जिस पे रवा होते हैं, हजरत हुसैन ने जिसकी तलब की वो पानी, हमारे चारागाहों की जरखेजी, हजरत आयशा और बीबी फातिमा की नजरों जैसा पानी, खूबसूरत रहवार इसे पीते हैं, सुर्ख ऊंट और भेड़े जिसके गिरत रहे, सबको राहत देने वाला पानी। मेरे बच्चे को जानते हो तुम पानी? तुम्हारी रूह को सुकून दे ये पानी। कुर्बान जाओ उस रब के जिसने तुम्हें दिया पानी। मेरा रब हमारे ईमान को मौत के ऐसे लम्हों में मजबूत रखे, इस मासूम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो। आमीन। आपका कोई नहीं है खातून? तो फिर रात ढलने से पहले मेरे साथ कबीले चलें। आप अपने कबीले जाए सरदार, आपका दर्द पहले ही बहुत ज्यादा है, मुझे मेरे दर्द के साथ रहने दें। अपने बच्चों के पास जाएं आप, मैं अपने बच्चे के पास रहूंगी।
मैं आपको यहां तन्हा नहीं छोड़ सकता खातून। अंधेरा हो गया तो आपको मुश्किल होगी। मैं अपने बच्चे को यहां छोड़कर कैसे जा सकती हूं सरदार, इस सर्द और तारीक रात में अपने मासूम बच्चे को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूं मैं? मैं अपनी आखिरी सांस तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत कहें, आप इसकी कब्र पर खुद को कुर्बान नहीं कर सकती। आपका ऐसा करना किसी भी तरह अल्लाह के नजदीक दुरुस्त नहीं। मैं अपना बच्चा इन्हें नहीं दूंगी। आप चले जाएं सरदार, इन मलूनों से उलझकर खुद को मुश्किल में मत डालें। ये कौन लोग हैं खातून? चलो। खातून की मौत भूल गए हो। बेफिक्र हो जाओ, तुम सबको एक साथ ही मारूंगा मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है अहमद भाई? खबर अच्छी नहीं है तुरगुत भाई, जमींदार क्रीतोस हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमला करेगा? कैसा हमला, कहां पर? कोई नया चमड़े का कारखाना खुला है उस पर। अलमेला खातून के आदमियों की जगह अर्तुल सरदार के इस मुश्किल वक्त का फायदा उठाना चाहता है वो कमजोर मलून। दुरुस्त कहा आपने गुनाद साहब, वो उनके कमजोर लम्हे का फायदा उठाना चाहता है। अर्तुरुल भाई कहाँ हैं? भाई को तन्हाई चाहिए थी इसलिए पहाड़ों की तरफ निकल गए। हो सकता है कबीले वापस लौट गए हो। तो हमें फौरन कबीले चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कबीले जाने का वक्त नहीं है। वो मलून किसी वक्त भी हमला कर सकता है। हमें फौरन चमड़े के कारखाने पहुंचना होगा। और अर्तुरुल भाई? जब आप लोग रास्ते में होंगे उस दौरान एक सिपाही भेजकर उन्हें खबर करवा देते हैं। मैं किले जाकर अपने सिपाही लेकर आता हूँ, वक्त नहीं है हमारे पास। शुक्रिया गुलाब सरदार, दुरुस्त कहा। भाई को सोग मनाने देते हैं। अपने सरदार के लिए हम इस मामले को देख लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो फिर मैं आप सबसे हमले की जगह पर ही मिलूंगा। अल्लाह हम सबका मददगार हो। आमीन आमीन। चलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। उस कबीले जाकर अर्तुरुल भाई को खबर करो, उन्हें कहना कि जमींदार चमड़े के कारखाने पर हमला करेगा और हम उसे सबक सिखाने के लिए वही मौजूद होंगे। जैसे आपका हुक्म भाई। चलो भाइयों, चलते हैं।
तुम्हारी सारी चालें तुम्ही पर उल्टा दूंगा मैं। आ जाओ मैदान में दीवाने। सुगाई खातून, तो तुमने हमारे सरदार के बेटे को दफन कर दिया, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ले चलो इस औरत को, सरदार इसे अपने हाथों से खुद सजा देंगे। खातून सोग में है इस वक्त, मसला मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्हें जबरदस्ती ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। कौन हो तुम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। सरदार आला होने का यह मतलब नहीं कि आप हमारे जाती मामलात में दखल दें, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप चले जाए सरदार। तो फिर ले जाओ सुगाई खातून। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। दिमाग पर जोर डालो, याद आ जाएगा। यह अजीब साधनी कौन था? एक मुसाफिर। बहुत जल्द जान जाओगे इसे। तो तुम हो वो जो जमींदार क्रेटोस के साथ मौजूद थे। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी। क्या मतलब है इस बात का? कल का जमींदार एरिस, जिसका नाम आज अहमद है, तुम कौन हो, क्या करते हो? और अर्तुरुल सरदार के जासूस हो, हर कोई ये बात जानता है, क्रेटोस भी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो मालून? चल जाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। मैं जानता हूं अर्तुरुल को तुमने हमले के हवाले से आगाह किया है, यह आखिरी जासूसी थी तुम्हारी, क्योंकि अर्तुरुल अब जिंदा नहीं रहेगा और तुम्हारी जान नौयान लेगा। तो तुम हो उगदाई के कमांडर नौयान? तुमने क्रेटोस के साथ मिलकर अर्तुरुल के लिए जाल बिछाया। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, उन्हें तुम्हारे जाल का शिकार नहीं होने दूंगा कभी। तो आओ अपना शौक पूरा कर लो दीवाने, साबित कर दो कि तुम अर्तुरुल के कितने वफादार हो। चैन हो रहे हैं, अपनी ज़ियाफ़त की शिद्दत से मुंतजर है वो। वो तुम्हारी लाश की ज़ियाफ़त उड़ाएंगे, मेरी नहीं। मैं अगर अपने मकसद के लिए मर भी गया तो शहादत की मौत होगी। तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि शहादत तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये गिद्ध और कव्वे अब इंतजार नहीं कर सकते, शिकार का वक्त आ चुका है। शिकारी परिंदे शिकार के गिर्द चक्कर लगाते हैं और उनके ये चक्कर मौत को करीब लाते हैं।
यह परिंदा मेरे काबू में है, जिसका दायां पर सूरज बिछाया है और बायां पर चांद परछाया है। मुझे सिया परों की फड़फड़ाहट से मौत की आवाज सुनाई दे रही है। जब वो सिया पर खुश्की और पानी दोनों पर छा जाते हैं तो कोई भी उनसे छुप नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह तुम भी छुप नहीं पाओगे मुझसे। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। नयान की तेज धार तलवार से कोई नहीं बच पाएगा। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. वो आ रहे हैं, मुहाफिजों की आवाज है ये। अर्तुरुल होगा यकीनन। वक्त आ चुका है, हर एक को बिल्कुल तैयार रहना होगा। हरगिज खुद को जाहिर मत करना, छुप जाओ जाकर सब। अर्तुरुल क्यों नहीं आया? वो भी जल्द आएगा, सब्र करो। बंसी सिपासालार तुर्गुत सरदार, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अलमिला खातून। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अलमिला खातून। अपनी आमद का शर्फ बख्शा हमें, फरमाइए। कारखाना पसंद आया, बहुत अच्छा चला रही हैं आप, लेकिन हमारे पास एक बुरी खबर है।
खबर क्या है सिपा सालार बंसी? जमींदार क्रीतोस अर्तुरुल सरदार की दावत पर यहाँ आने वाले हुनरमंदों को रोकने के लिए यहाँ पर हमला करेगा। जहन्नुम में जाएं वो खैर मुस्लिम, हम उनसे खौफजदा नहीं। हमारे लोग उनसे खुद मुकाबला कर सकते हैं। भाई इसमें कोई शुबा नहीं कि आप लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो गुरूब आफ्ताब से पहले हमला करेंगे, उसके बाद अपने निशानात छुपाते हुए तारीकी में ही गायब हो जाएंगे। और अर्तुरुल सरदार? अर्तुरुल सरदार को इसकी खबर नहीं। हम इस मामले से खुद निपट लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपने सरदार को कुछ नहीं बताएंगे? अर्तुरुल सरदार की खातून वफात पा गई है, वो सोग में है। सुना था मैंने, अल्लाह रहमत करे उन पर। अब आप लोग इस जगह को खाली कर दें, हम और हमारे सिपाही उसके लिए घात लगाएंगे यहां। अलमिला, हम इस जगह को ऐसे नहीं छोड़ सकते। नजीर तुर्कुल साहब सही कह रहे हैं, ये जैसा कहते हैं हम वैसा करेंगे। तो फिर जाइए। अब मुझे बताइए खातून, आप कौन हैं आखिर? मेरे शौहर चरवाहे थे, कुछ भेड़ बकरियां थी वो चराते थे। अमित की जंग में वो शहीद हो गए थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा अर्तुरुल सरदार, सिर्फ एक बेटा ही बचा था, वो भी इस दुनिया से छोड़कर चला गया मुझे। और ये आदमी कौन थे? मेरे शौहर के रिश्तेदार। मेरे शोहर के शहीद होने के बाद ये लोग मेरी शादी उनके छोटे भाई से करवाना चाहते थे। मैं नहीं चाहती थी इसलिए भाग गई, रेवड़ चराने लगी, दूसरों की भेड़ बकरियां चराती थी मैं। नौरोज के दिन मेरे बेटे की विलादत हुई, मैं मां बन गई थी, लेकिन उसे बुखार हो गया और सुबह तक उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बस यही बात है। अगर उन्होंने आज ढूंढ लिया है तो यकीनन दोबारा भी ढूंढ लेंगे। मुझे अपने मरने की परवाह नहीं है। किस कबीले से हैं आप, कहां से ताल्लुक है बताइए मुझे, ताकि मैं इस दुश्मनी को खत्म कर सकूं। मैं यहां से ताल्लुक नहीं रखती सरदार, मेरा कबीला खारजम में है, बहुत दूर से आई हूं मैं यहां। देखिए खातून, मुझे अपने बच्चे के लिए रजाई खातून चाहिए। मेरे साथ मेरे कबीले चलिए, मेरे बच्चे की रजाहत कीजिए, हमारे कबीले की खातून बन जाए। आपका जब भी दिल चाहे आप यहां अपने बच्चे की कब्र पर फातिहा पढ़ने आ सकती हैं। हो सकता है मेरे बच्चे की रजाहत करने से आपका अपने बच्चे को खो देने का दर्द भी शायद कुछ कम हो जाए। मेरे बहादुर बच्चे, खुद को इस तरह अलकान मत करो, तुम्हें संभालना होगा अपने आप को। हाँ वालिदा के जाने से मैं बहुत तकलीफ में हूँ दादी, कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। मैं और मेरे भाई वालिदा के बगैर कैसे रहेंगे?
आज से मैं तुम्हारी दादी भी हूं और वालिदा भी कुंदुस। मैं तुम सबको बहुत प्यार करूंगी, लेकिन ये मत भूलो बेटा, किसी के भी मरने पे इतना ज्यादा अफसरदा होना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। वो जिंदगी देता है और वापस भी ले लेता है। और तुम्हारे बाबा हम सबके पास होंगे हमारा ख्याल रखने के लिए। दादी, बाबा बहुत तकलीफ में है लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहे। तुम्हें मजबूत बनना है मेरे बच्चे अर्तुरुल, सोग बनाकर अपने कबीले में अपने बच्चों के पास वापस लौटेगा। दादी, उस्मान को भूख लग रही है, इसके लिए दूध नहीं है। देखिए कैसे रो रहा है ये। दूध ले आएंगे बेटा, तुम दुआ करो मेरे बच्चे, अल्लाह बेताब और मुस्तदिलों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। वो जरूर आप भी अपना करम करेगा इंशाल्लाह। दादी चुप हो जाओ उस्मान, मेरे प्यारे बहादुर बच्चे, बस थोड़ा सब्र और बहुत जल्द दूध मिल जाएगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है, इस नन्ही सी जान पर रहम कर, हमारी मुश्किल आसान कर दे मेरे मालिक। अंदर आ सकता हूं आर्तुक भाई? आ जाओ सिपाही। खैरियत तो है ओ सिपाही? भाई, अहमद ने खबर दी है कि जमींदार चमड़े के कारखाने पर हमला करेगा। कैसा हमला? तुर्गुत भाई, गुनाल सरदार और बंसी भाई कारखाने की हिफाजत के लिए गए हैं। और अर्तुरुल सरदार? मैं अर्तुरुल भाई को यह खबर देने के लिए आया था, लेकिन वो कबीले में नहीं। अर्तुल सरदार जल्द वापस आ जाएंगे, फिलहाल ये जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है। तुम कबीले से सिपाही जमा करके फौरन उनके पास पहुंचो, जैसे ही सरदार आएंगे खबर उन तक पहुंचा दूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म अर्तुक भाई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो शीर मैं तुम्हें न पिला सके, अर्तुरुल सरदार के बेटे उस्मान को जिंदगी बख्शेगा वो। मैं हमेशा तुमसे मिलने आती रहूंगी यहां, तुम्हारी कब्र को पानी और रूह को दुआ से महरूम नहीं करूंगी मैं। उस्मान को भूखा नहीं रहने दूंगी मैं। Yeah.
रोहे मारने को बेचैन है अर्थुरल। अजीम टेंगरी के लिए गोश्त। गरेलिक खान के लिए रोह। खून चाहिए अजीम दरियाओं और पुरसरार पहाड़ को। कीड़ों की खुराक बनोगे तुम और दरख्तों को नशा और सुरूर दोगे। बताओ मुझे अर्थुरल आ रहा है वहां? अर्थुरल नहीं आ रहा भाई। तुर्कुत और बंसी आए थे, उन्होंने बताया कि अर्थुरल हलीमा के सोग में है और उन्हें नहीं मालूम कि वो कहां है। जमींदार से हमला मुलतवी करवा सकते हैं हम। अहमद मर चुका है, देर हो चुकी है। अर्थुरल जाल में फंसने के बाद भी जिंदा बच जाए तो हमें क्या फायदा होगा? अर्थुरल को अपने ना मरने का अफसोस होगा। तुम अपने आदमियों के साथ कारखाने पर हमला करोगे, चारों तरफ से घेर लेना, कोई भी नहीं बचना चाहिए। जैसे आपका हुक्म जनाब। और तुम अपने सिपाही लेकर मेरे साथ आओगे, अर्थुरल के आदमियों पर हम हमला करेंगे। गलती ना हो कोई, उन्हें अपनी तलवार का मजा चखाना है, समझे? समझ गए जनाब। चलो जमींदार और उसके सिपाही जैसे ही नजर आए हम हमला कर देंगे। हमला हो गया है सरदार। सिपाहियों हमला करो। हक है अल्लाह। No!
तुम लोग ठीक हो सिपाही? हो हम ठीक है भाई, सब लोग ठीक है? अर्तुरुल कहां है? वो कहीं एरिस यानी अहमद से हमले की खबर सुनकर खौफ से छुप तो नहीं गया? अहमद सिपाही? हाँ अहमद, अहमद सिपाही, अर्तुरुल के लिए जासूसी करने वाले उस गद्दार की लाश को कीड़ों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया है मैंने। बस दिल मलून, तुम्हें लगता है इतनी आसानी से खुद को मौत के हवाले कर दूंगा मैं? ये क्या हो रहा है? हम आ गए हैं गुनाह साहब। हमला, हम पर हमला हुआ है, मार दो सबको। भाग रहा है। हम उसे देख लेंगे गुनाह साहब, आप कारखाने पहुंचिए जल्दी। कुंदूज, सौजी और उस्मान की मां के गुजर जाने के बाद उन्हें तुम जैसी मां की जरूरत है। आपके सोग में होने का फायदा उठाने वाले उस जमींदार का सर कलम कर दिया है मैंने अर्तुरुल सरदार। मैं खानों के खान नुक्ताई खान का सफी हूं। मैं कभी भी अपने खान के अलावा किसी के भी आगे सर नहीं झुकाता।